सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में, क्योंकि सूर्य ग्रह जो है वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 15 मई को सुबह 11:44 पर। ग्रहों के राजा सूर्य जब किसी राशि को बदलते हैं तो उस समय को संक्रांति काल कहा जाता है। तो सूर्य का ये गोचर जो है पूरा एक माह का होता है, यानी कि सूर्य ग्रह जो है किसी भी राशि में एक माह ठहरते हैं। सूर्य ग्रह जो है सिंह राशि के स्वामी हैं, ये मेष में उच्च के और तुला राशि में नीच के होते हैं। पिछले एक महीने से जो है मेष राशि में ये राहु और बृहस्पति के साथ उच्च के होकर चल रहे हैं, मगर अब ये शुक्र की सौ राशि वृषभ में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसके स्वामी शुक्र ग्रह हैं। ग्रहों में राजा का अधिकार इन्हें प्राप्त हैं। सूर्य ग्रह से जो है पिता और आत्मा देखी जाती है, यानी कि आत्मा के कारक ग्रह हैं। यदि ये मजबूत है तो आत्मा भी बड़ी शुद्ध होगी, यानी कि वो व्यक्ति हमेशा सच बोलने की कोशिश करता है। पिता का भी विचार जो है सूर्य से होता है। पद प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान, तेज बल, राज्य प्रतिष्ठा, आरोग्य, पदोन्नति, ये सब जो है सूर्य ग्रह द्वारा देखे जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बहुत ही मजबूत अवस्था में है सूर्य, तो उसका तेज बहुत तेज होगा उसमें और उसका पराक्रम मजबूत होगा, साहस उसमें भरा होगा, साथ ही उसकी किसी प्रकार की बीमारियाँ दूर हो जाती है, क्योंकि ये हड्डी पर भी विशेष अधिकार अपने शरीर में रखते हैं और इनके मजबूत होने से जो पिता का भी पूरा लाभ आपको प्राप्त होता है। पद प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान में आपकी वृद्धि होती है। हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वालों की कि वृषभ राशि में सूर्य ग्रह जा रहे हैं तो क्या परिणाम वृषभ राशि वालों को मिलेगा। 15 मई से लेकर 15 जून तक सूर्य ग्रह इसी राशि में गोचर करेंगे। वृषभ राशि के लग्न में ही सूर्य रहेंगे। इस समय जो है एक तो आपका विश्वास काफ़ी मजबूत होगा। इस समय आप कोई भी कार्य जो करेंगे वे सही होंगे, क्योंकि सूर्य इस समय आपके मस्तिष्क में रहेंगे, यानी लग्न में रहेंगे वृषभ राशि के, और आपको अपनी माता से भी लाभ होगा, साथ ही आपके किए गए कार्य उसमें आपको जो है सफलता प्राप्त होगी। इस समय आपके लिए गए निर्णय किसी कार्य में, बिजनेस में, उसमें जो है आपको पूरा सहयोग मिलेगा। और वृषभ राशि वालों के जो लग्नेश शुक्र है, शुक्र जो है आपके लग्न का स्वामी होकर धन भाव में गोचर करेगा, तो इस समय जो है एक तो आपको पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी, धन आपके पास अधिक मात्रा में होगा और धन लाभ की आपको जो है रोज अवसर प्राप्त हो गए। परिवार में जो है कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा और परिवार का पूर्ण रूप से सहयोग और सपोर्ट आपको जो प्राप्त होगा। और इस समय मंगल जो है आपकी कुंडली के पराक्रम स्थान में गोचर कर रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल जो है नीच का है और अगले 1.5 से 2 माह वो नीच का ही गोचर करेगा, तो इस समय छोटे भाई बहन से जो है सपोर्ट थोड़ी कम प्राप्त होगी, साथ ही आपके कुछ पराक्रम में कमी आ सकती है, यानी कि भाग दौड़ अधिक रह सकती है। इस समय आपको थकावट महसूस हो सकती है और हाथ में कोई दिक्कत भी आपको हो सकती है, यानी कि सीधा हाथ में कोई दर्द की शिकायत आपको रह सकती है। हालांकि इस समय भाग्य आपका बड़ा मजबूत रहेगा, भाग्य को स्थान को उच्च का होकर देख रहा है मंगल, तो भाग्य में उन्नति होगी, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी, पिता द्वारा भी जो है आपको सफलता मिलेगी, तो ये समय बड़ा अच्छा है, अनुकूल आपका, चाहे वो नौकरी को है और चाहे आपके करियर को लेकर है, तो इस समय क्योंकि भाग्य और कर्म के स्वामी शनि कर्म स्थान में ही चल रहे हैं। अपनी कुंभ राशि में शनि है, शनि का कुंभ राशि में होना जो है आपके पंच महापुरुष योग के अंतर्गत शश नामक योग का निर्माण हो रहा है, जो कि वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। इस समय एक तो आपका भाग्य बहुत मजबूत रहेगा, भाग्य में उन्नति होगी और भाग्य की उन्नति से जो आपका कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, आपको लाभ होगा। यदि आप कहीं नौकरी बदलने के लिए सोच रहे हैं तो वो भी आपके लिए समय अच्छा है। नौकरी हो चाहे व्यापार कोई नया शुरू करना चाह रहे हो, नए व्यापार में भी आपको अधिक सफलता मिलेगी और साथ ही पिता द्वारा धन लाभ होगा, यानी कि पिता भी आपको पूर्ण रूप से सहयोग देंगे। कहीं धन की कमी है तो वो आपकी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। आपका व्यापार खूब चलेगा नया, तो शनि इस समय आपके लिए कुंडली में राजयोग कारक ग्रह हैं।
राहु बुध और बृहस्पति एक साथ जो है आपके 12 स्थान गोचर कर रहे हैं मेष राशि में। राहु का मेष राशि में, शत्रु राशि में राहु उस समय चल रहा है, बृहस्पति मित्र राशि में है और बुध भी शत्रु राशि में चल रहा है। राहु बुध होने से जड़ता योग बना हुआ है और राहु के साथ बृहस्पति होने से चंडाल योग बन रहा है। तो आपकी इसमें विदेश यात्राओं का योग बन रहा है और ये विदेश यात्रा जो है व्यर्थ की होगी। इस समय जो है आपका अधिक से अधिक पैसा खर्च हो सकता है, नुकसान अधिक होगा, खर्चा बढ़ेगा। भारत के क्षेत्रों में आपकी यात्राएं लगभग होती रहेगी अगले 6-7 महीने और आना जाना पड़ सकता है। तो ये जो यात्रा आपकी होगी ये व्यर्थ की यात्रा है, इस यात्रा का कोई लाभ आपको नहीं होगा। यानी कि आपका ज़्यादा खर्चा यात्रा पर हो सकता है, कहीं दूसरे राज्य में आपको काम को लेकर जाना पड़ सकता है। और इस समय केतु तुला राशि में गोचर कर रहा है। केतु अपनी मित्र राशि शुक्र की राशि में है तुला में। इस समय कंपटीशन एग्जाम में जो है आपको सफलता प्राप्त होगी। कहीं एक नौकरी की तैयारी कर रहे हैं सरकारी की, तो उसमें आने वाली बाधाएं स्वयं ही समाप्त हो जाएगी और हर तरफ से आपको लाभ होगा। केतु ग्रह के कारण ही जो है आप किसी कंपटीशन एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कोई नई रिजल्ट आने वाला है आपका, तो उसमें भी जो है आपके अनुकूल ही वो आप रिजल्ट आएगा, उसमें भी जो है आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी। अगर आपकी बात करें जीवन साथी की, तो जीवन साथी से जो है आपके संबंध मधुर रहेंगे। हालांकि बीच में थोड़ी बहुत कड़वाहट भी आ सकती है, सूर्य सप्तम दृष्टि से उसे देख रहा है आपके जीवन साथी स्थान को। और साथ ही समय व्यापारी साथ साझेदारी कर रहे हैं, तो उसमें भी जो है आपके लिए अच्छा है। इस समय साझेदारों से जो है आपको मुनाफा होगा, व्यापार आपका बढ़ेगा, उस साझेदार भी जो है आपको पूर्ण रूप से सहयोग देंगे। मगर जीवन साथी के साथ कुछ संबंध कड़वे रह सकते हैं, क्योंकि सूर्य देख रहा है और सप्तम स्थान स्वामी मंगल भी नीचा गोचर कर रहा है, तो इन दोनों के कारण थोड़ी बहुत कड़वाहट आपके जीवन में आ सकती है। और शिक्षा क्षेत्र की बात करें आपके और संतान पक्ष की, तो वो कुछ कमज़ोर नज़र आ रहा है, क्योंकि संतान पक्ष इस समय थोड़ा सा दिक्कत आपको कर सकता है। और साथ ही जो 10वीं 12वीं छात्र उनका डेट आने वाला है या पढ़ाई कर की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें कुछ पढ़ाई में भी उन्हें दिक्कतें आ सकती हैं। मकान वाहन आदि का जो सुख आपको प्राप्त होगा, इस समय मकान के लिए भी समय अच्छा है। माता से भी धन लाभ आपको हो सकता है, आपके सुखों में वृद्धि होगी, यानी कि भौतिक सुख को भी आपको उस समय प्राप्ति होगी। तो ये था आपको वृषभ राशि वालों का राशिफल सूर्य के बदलने के बाद जो आज आप लोगों ने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें और उसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।